तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ये मेरी वाइफ गुड़िया और मैं और मेरे सर भीम भैया हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, और साथ में इंदल हमारे भैया हैं। तो आज हम आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, और मतलब इतने दिन से यूट्यूब पे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसमें देखिए मेरा कोई गलती नहीं फ्रेंड, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। और जो भी मेरा गलती आया है आप सभी लोग हमें माफ़ कीजिएगा। और मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और मैं शपथ लेता हूँ मतलब कैमरे के सामने मैं शपथ लेता हूँ, अपनी पूरी फैमिली की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरे चैनल में कोई भी गलत वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग आके हमारे सामने मतलब चार जूता मार के जाइएगा, और आप लोगों को जो बोलना है आप लोग ज़रूर बोल सकते हैं। और नादानी में जो गलती हुई है आप लोग माफ़ कीजिएगा हमें फ्रेंड, और माफ़ी और मांगना चाहते हैं हम एस के सानी भैया, जो गलती मुझसे हुई है आप माफ़ कीजिएगा, और रजनी कौशल भैया आप लोगों से भी जो गलती हुई है माफ़ कीजिएगा, और हमारे पब्लिक लोग जितने देख रहे हैं आप लोग भी माफ़ कीजिएगा फ्रेंड। मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मतलब जितने मतलब हम मानते हैं हम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था, तो मुझे नॉलेज नहीं था फ्रेंड, मगर मैं आज आप लोगों को मतलब जैसे कोई आदमी अगर चार आदमी के बीच में जाता है तो समझदारी बढ़ती है ना, तो समझ लीजिए कि अब मुझे वो समझदारी आ गई है, और मैं अपने पूरे फैमिली का कसम खा के बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल में अब से अगर एक भी वीडियो अगर गलत जा रहा है तो आप लोग हमें आके चार झापड़ मार सकते हैं। और जितने लोगों को इससे पहले अगर हमारे बातें या कुछ भी बुरा लग रही थी तो आप लोग प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, और आज से हम नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ। और फ्रेंड, और मैं और कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, कहना ये चाहता हूँ कि जितने लोग हम मतलब जब से हम हमारी गलती है यूट्यूब पे हम मान रहे हैं, और जितने लोग हमें मतलब इधर उधर के बारे में कंट्रोवर्सी खेल रहे हैं, तो आप लोगों से कहना है फ्रेंड कि हमारी गलती जो थी, और आज हम आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं, बट आज के बाद आप लोग हमारे बारे में ना कभी बुराइयाँ बतियाइएगा और ना ही हम लोग कभी आप लोगों को बुराई बतियाएंगे। तो भीम भैया थोड़ा बोलिए, और एस के भाई और रजनी भाई सॉरी क्योंकि गलती हो गया, इंसान से गलती होता है, और हम लोग जो है कि इतना कुछ सुन सुन करके माथा पक गया था। आप लोग फ्रेंड देख रहे हैं यूट्यूब पे, देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, बस जो भी गलती की है हम अपने पूरे फैमिली के साथ किए हैं। बाकी अगर जितने लोगों को मतलब हमारी बात बुरा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा हमें, और आज से हम कुछ नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कुछ अलग काम करना चाहते हैं। बस हाँ, जितने यूट्यूबर लोग हमारे गोरखपुर संत कबीर नगर के आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज की बात कंट्रोवर्सी मत खेलिएगा हमारे साथ। अगर हमको कोई बात अगर गलत लगता है, अगर हमको कोई गलत बोलता है, तो प्लीज़ देखिए हम अपने पूरे फैमिली के कसम खा के मैं बोल रहा हूँ ना, आज के बाद अगर गलती अगर हम करेंगे तो आप लोग जो मर्जी तो कर सकते हैं, अगर गलत हम नहीं करेंगे और इसके बाद अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से उनको कुछ नहीं बोलेंगे, उनके सामने खुद जाके जो होगा वो सब काम किया जाएगा, है ना भैया। मगर देखिए हम आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए वीडियो में जो खेल रहे हैं ये गलत है वो गलत है ये हो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। सब लोग मतलब अपने एक ही जिला के हैं, तो आप लोग जिला का नाम बताओ, क्योंकि सब एक परिवार है और आप लोग मिल के काम करिए, अच्छा करिए, इसलिए अच्छा हम लोग जुड़े हैं कि भाई अच्छा काम किया जाए। और हम मानते हैं फ्रेंड कि हम लोग गलती किए हैं अपने परिवार में, तो उसके लिए आप लोग हमको माफ़ कीजिएगा, और जितने लोग माफ़ करना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कन्हैया भैया, सालू भाभी, रजनी भैया, और मतलब कौशल भैया, रजनी भाभी, सब लोग माफ़ कीजिएगा, और जो भी हमसे गलती हुई आप लोग माफ़ कीजिएगा। और मैं आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहता था, आप लोगों के बारे में भी कुछ कहना नहीं चाहता था, बट सुन सुन के हमारा भी दिमाग समझ लीजिए कि पागल हो गया है, और जैसे कि छोड़िए जाने दीजिए ये सब के मतलब हम बारे में नहीं आना चाहते हैं, बट आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, और आज की बात से कोई भी गलती अगर मेरी जा रही है तो आप लोग आइए मुझे घर पे आके चार झापड़ मारी। और एक बात और, जितने हमारे मीडिया के भाई लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप लोग सोचते हैं कि हम मीडिया के देख के क्यों भागते हैं, तो ऐसी बात नहीं है फ्रेंड, मैं मीडिया को देख के भागना नहीं चाहता हूँ, और भागता भी नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मीडिया वाले के मतलब फ़ोन में मेरा वीडियो ना बने, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से गलती की है तो अपने चैनल के माध्यम से हम सुधार भी सकते हैं। एकदम एकदम सही है, हम अपने चैनल के माध्यम से हमको पब्लिक देख रही है तो हम अपने चैनल के माध्यम से हम सुना सकते हैं, तो यही सब बात है फ्रेंड। और मीडिया वाले भाई लोग आप लोग बुरा मत मानिएगा,
और बुरा मानने वाली क्या बात है, अगर हम अपने चैनल से गलती किए हैं तो अपने चैनल से हम सुधार कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। तो यही सब कहना था कि जितने लोग मतलब गलती किए थे आप लोग माफ़ कीजिए। और आज के बाद हम अपने कैमरा के सामने कसम खा के पूरे फैमिली के बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गलत मेरा वीडियो आएगा तो आप लोग हमारे घर आके चार झापड़ मारिए। और एक बात और जान लीजिएगा आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, और एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लोग अगर आज के बाद मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी करते हैं उसको उनके घर जाके केस वगैरह जो भी होगा वो सब किया जाएगा। बट अब वीडियो में नहीं कुछ कहा जाएगा, हम सब नहीं कहेंगे और हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आज हमारी वाइफ का थोड़ा है तबीयत खराब, जैसे कि आप लोग दो तीन दिन से देख रहे हैं हम लोगों का वीडियो सही से नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अच्छाई के साथ, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।